हवा महल। दोस्तों, आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं आतिश की लिखी झलकी, लो कर लो दर्शन। निर्देशक हर्षवर्धन गवई। अच्छा सीताराम जी, नहीं वो बात सही है आपकी, लेकिन मैं भी वही कह रहा था। हाँ, आप तो सही कह रहे थे, लेकिन ये अरे ये जोगिंदर सिंह जी कैसे अस्त व्यस्त से चले जा रहे हैं? लगते तो वही है। एक मिनट। अरे जोगिंदर सिंह जी, ओ जोगिंदर सिंह जी, सरदार जी, ओ जी, अरे क्या क्या झटका खाया है क्या आपने? कहाँ चले जा रहे हैं घबराए से? ओ क्या बताऊं सीताराम जी, शुक्र करो कि मैं जिंदा हूँ। क्यों, क्या हो गया? क्या हो गया? अरे यार, खबर तो पढ़ी होगी आपने, टीवी पर देखी और सुनी भी होगी। हमारे पड़ोस में जो 6 मंजिला इमारत बनी थी ना, अचानक गिर पड़ी। ओ जी, अरे रे रे, अरे रे रे, हाँ जी। अच्छा फिर तो उससे आपका क्या ताल्लुक? ओ यार, हम लोग जहाँ चाय पीते हैं ना, हाँ, 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 हाँ। मैं उसी के नीचे खड़ा चाय की दुकान से चाय पी रहा था। हुआ क्या? बस सिर्फ 1 मिनट पहले चाय पीकर वहां से बमुश्किल 100 कदम आगे बढ़ा हूंगा कि पीछे से जोर से धड़ाम की आवाज आई। मुड़कर देखा तो बिल्डिंग गिर गई थी। अच्छा अच्छा। हाहाकार मच गई, मलबे के नीचे दबकर 30 लोगों की मौत हो गई। बस 1 मिनट का फर्क है, अगर मैं वहां से ना हटा होता ना, मैं भी ऊपर वाले के पास पहुंच गया होता। ओ, 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 बड़ी बुरी खबर है। भला हो भाई गुरु का, उसने ऐन वक्त पर मुझे बचा लिया। सचमुच जाको राखे साइया सरदार जी, मार सके ना कोई। ओए जिसनू राखे रब तो उसनू चखे कौन। क्या रब ने बचा लिया है? और वो जो 30 बेगुनाह मलबे के नीचे दबकर मर गए, उन्होंने रब का क्या बिगाड़ा था? लेकिन राम गोपाल जी, अरे सच्चाई ये है सीताराम जी कि वो बिल्डिंग अनऑथराइज थी। अच्छा। उसकी कंस्ट्रक्शन में भी घटिया माल का इस्तेमाल किया गया था। सीमेंट की जगह रेत खूब ज्यादा इस्तेमाल की गई थी। जाहिर है कि अथॉरिटीज के साथ मिलकर रिश्वतखोरी की गई, मोटी मोटी रकम ऊपर से नीचे तक बहाई गई और बिल्डिंग बनने दी गई। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। क्या बताएं सरदार जी, क्या माहौल हो गया है। इस भ्रष्टाचार ने तो बेड़ा गर्क कर दिया है पूरे माहौल का। तो फिर रब ने इन भ्रष्टाचारियों को सजा क्यों नहीं दी? हाँ, वो तो सब देख रहा है ना, सब जानता है ना। और यही नहीं है जो जोगिंदर सिंह जी के घर के बाजू में हुआ है। तो एक और बुरी खबर है। वो क्या है? एक अनऑथराइज रेस्टोरेंट में आग लगने से वहां जन्मदिन मना रही एक लड़की और उसके साथी जलकर मर गए। जानते हो 20-22 साल के 14 बच्चे मारे गए। माय गॉड। हाँ जी, ये सही कह रहे हैं। बड़ी दिल दहलाने वाली खबर है सरदार जी। अरे वहां भी तो बेचारे लोग खामखा ही मारे गए ना। अब क्यों नहीं जला डाला उन सभी गुनाहगारों को तुम्हारे रब ने? क्यों नहीं मार दिया उनको? क्या अजीब मजाक है। जो बेगुनाह हादसों में मारे जाते हैं उनके बारे में बस एक ही राय है, अजी साहब उनकी तो मौत आ गई थी, अजी साहब उनकी तो किस्मत में बस इतनी ही जिंदगी लिखी थी। और जो हमारे सरदार जी जैसे बच जाते हैं उसका सारा का सारा क्रेडिट भगवान को चला जाता है। लेकिन यही तो कहा जाता अरे है। अरे क्या कहा जाता है आप सीताराम जी, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। आप भगवान को क्रेडिट दे देते हैं, कभी रब को क्रेडिट दे देते हैं। एक और कमाल की सोच है, कमाल का विश्वास है। जो किया वो रब ने किया, जो दिया वो रब ने दिया। अरे साहब देखिए, हम भी पैदा हुए हैं, अपने माँ बाप की औलाद हैं, हमारी भी औलादे हैं। जिसको देखो वो सारा क्रेडिट रब को दिया जा रहा है। है? सब क्या उसी की मेहरबानी है? बताइए सरदार जी, चुप क्यों हैं? क्या गलत कह रहा हूं मैं? आप तो नास्तिक हो, आप तो ऐसा ही कहेंगे। अरे सीताराम जी, भगवान ईश्वर गॉड रब सब एक विश्वास है जो आस्था बन गया है। गॉड यानी रब ने इंसान को बनाया, बनाया या नहीं बनाया ये तो नहीं जानता मैं, लेकिन ये कभी ना झुटलाने वाला सच है कि ये इंसान है जिसने रब को बनाया। इंसान के बिना रब को जानता ही कौन है, बताइए आप। ये जो जानवर हैं, ये भी तो रब के बनाए हुए हैं ना।
ये किसी भी धर्म स्थान के अंदर चले जाते हैं, आराम से लघु शंका से निवृत्त हो जाते हैं, गोबर कर देते हैं। भगवान होता तो ऐसा करते ये कभी? यही तो फर्क है नास्तिक जी, इंसान और जानवर में। जानवर को दिमाग नहीं दिया भगवान ने, इंसान को दिया है सोचने और समझने के लिए। ओए भगवान दास, बहुत देर के बाद आए हो, कितने सी तू? मैं भगवान के साथ क्रिकेट खेल रहा था। क्या बात कर रहे हैं भगवान दास जी, है कोई दूसरा भगवान भी तेरे नाम जैसा? मेरे नाम जैसा नहीं, सचमुच का भगवान, जिसे तुम ईश्वर कहते हो, रब कहते हो, वो मेरा दोस्त है। मेरे साथ क्रिकेट भी खेलता है और शतरंज भी खेलता है। फेंकू चंद है ये हमारा दोस्त जो है ना, ये भगवान दास नहीं फेंकू चंद है, फेंक रहा है। अरे भला जो दिखता ही नहीं उसकी हकीकत क्या? ढकोसला है सब, रब गॉड। अरे तुम दिख रहे हो, मैं दिख रहा हूं, सीताराम जी दिख रहे हैं, सदा जी दिख रहे हैं, कहां है तेरा रब बता दो, कहां? दिखा जरा मुझे, दिखा भाई। वो सर्वव्यापक है ना, तुम्हारे सामने इसी वक्त मौजूद है, मगर तुम जैसे नास्तिक को दिखाई नहीं देगा। चलो मैं मान लेता हूं मैं नास्तिक हूं, ये हमारे सदा जी तो आस्तिक है ना, ये सीताराम जी तो आस्तिक है ना। भैया आपको दिख रहा है तुमको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। दो अब जवाब, है कोई जवाब? ये हवा है ना, इसी में हम सब सांस ले रहे हैं, तुम भी। क्या दिखाई देती है किसी को? जिंदगी क्या है? जब तक सांस लेते रहोगे जिंदा रहोगे, सांस बंद जिंदगी खत्म। मैं भगवान का दास हूं इसीलिए वो मेरा दोस्त है। मैं तो जब भी बुलाऊं वो ओब्लाइज करता है, दर्शन देने आ जाता है। क्या बात कर रहे हैं भगवान दास, हमें भी दर्शन करवा दो भाई। ओ हाँ यार, सानू भी करवा दे दर्शन। चलो ठीक है, तो इस संडे को आ जाओ मेरे घर पे, मैं विनती करके बुला लूंगा रब जी को, आप दर्शन कर लीजिए। ठीक है जी, आ जाएंगे। क्यों सरदार जी? बिल्कुल आ जाएंगे जी। भैया मुझे तो बख्श दो। क्या बात कर रहे हो, चलिए आप भी चलिए। नहीं नहीं नहीं, ना ही आओ तो अच्छा है। हाँ भगवान की भी यही इच्छा है, बस आप लोग दर्शन कर लो जी। तो आ जाना आप दोनों हाँ मेरे घर। अच्छा जी, सत श्री अकाल। राम राम भगवान दास, जरूर आएंगे। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। भाई भगवान दास, राम राम। आइए आइए, आ गए आप, मगर ये क्या साथ में इतनी भीड़ ले आए? अब क्या करें, जिसने भी सुना दौड़ा चला आया, हमें भी दर्शन करवा दो, हमें भी दर्शन करने हैं, साथ ले चलो। चलो भाई, ओके, ऐसा करते हैं, वहाँ दूर एक लाइन में खड़े हो जाओ सब लोग, एक एक करके आना। ठीक है। अंदर कमरे में भगवान जी हाजिर है, कर लो दर्शन। सरदार जी आप एक काम करो, आप लाइन लगवाओ, सबसे पहले मैं दर्शन करूंगा जी, और दूसरी बारी आपकी आ जाएगी, लाइन लगवाओ। ओ अच्छा जी, ओ ठीक है जी, मैं जाता हूँ लाइन लगवाता हूँ, छेती छेती आप भी आ जाना, पहले दर्शन मेरे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जाओ लाइन लगवाओ। तो भगवान दास जी अब मैं जाऊं भीतर दर्शन करने? हाँ हाँ, मगर एक शर्त है। शर्त वर्त यहाँ पर? भगवान सिर्फ उसी को दिखाई देंगे जिसने कभी झूठ ना बोला हो। जी झूठ से मेरा क्या नाता, कोसों तक कोई ताल्लुक नहीं, मैं तो केवल सच ही बोलता हूं जब भी बोलता हूं। जिसने पाप ना किया हो। ओहो हो, मैं तो पुण्य का भागी हूं, और पुण्य भी ऐसे करता हूं कि इस हाथ का उस हाथ को पता नहीं चलता। और जिसने किसी को धोखा ना दिया। हम क्यों धोखा धोखा देंगे, और भी कोई शर्तें हैं आपकी? जिसने रिश्वत ना ली हो ना दी हो। रिश्वत से अपना दूर दूर का कोई नाता ही नहीं है। किसी लड़की पर बुरी नजर ना डाली हो। हम क्यों नजर डालेंगे, आप बताइए कितनी शर्तें और बाकी हैं आपकी? और जिसने किसी पराई स्त्री को कभी ताका झांका ना हो। अरे भाई क्यों जागेंगे ताकेंगे किसी पराई स्त्री को, और भी कोई शर्त है? या भीतर जाऊं दर्शन करने? जाओ अंदर जाओ, दर्शन कर लो। ठीक है, ये चला। क्यों जी सीताराम जी, मिल लिए भगवान को?
हो गए दर्शन रब के? दर्शन? अरे भगवान दास जी, दर्शन की बात करते हो? हो गए, बहुत अच्छे दर्शन हो गए। विराट प्रभु का स्वरूप, ओ हो 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 हो, आत्मा प्रसन्न हो गई। क्या साक्षात दर्शन दिए हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। इसी तरह सरदार जी ने भी दर्शन लिए और जो भी आया था सभी ने यही कहा कि उसे भगवान के साक्षात दर्शन हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों हंस रहा हूं। मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि ऊपर बैठा भगवान भी हंस रहा है। लो कर लो दर्शन। अभी आप सुन रहे थे आतिश की लिखी ये झलकी। निर्देशक थे हर्षवर्धन गवई। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे अमरकांत दुबे, अशोक सोनावने, राजेंद्र त्रिपाठी और जयंत पात्रिकर। ये थी विविध भारती मुंबई की प्रस्तुति।